मोदी मारा, मोदी मारा, मोदी कहाँ गया था, बम फोड़ने गया था वहाँ। पानी की परेशान है बहुत ज्यादा, तो पानी की लेटरिन की, कूड़े डालने की शौचालय नहीं है कोई है, और नलका नहीं है कोई रोड पे, जैसे टैंकर नहीं आता नलका से पानी भर ले। निजीकरण हुआ पड़ा, जातिवाद इतना भरा पड़ा है समाज में कि पूछो मत। टीचर है वो जातिवाद से बात करते हैं। Today, we're in Rangpuri village, which is an area very close to the sprawling Vasankunj locality in South Delhi. And we'll be talking to the residents of this village about the upcoming Lok Sabha elections, the issues at hand, what are their expectations from their government and their demands, and how happy are they with their current MP. So let's listen in to what they have to say. आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे बाकी स्टेटों में है, बाकी स्टेटों में वैकेंसी मिलती है बच्चों के लिए, नौकरियों के लिए, जॉब के लिए, बाकी स्टेटों में है ऐसा, दिल्ली में हमारे दिल्ली के जो लोकल देहात के लोग उनके लिए क्या है? कॉलेजों में एडमिशन है वो कुछ नहीं है, नौकरियों में है क्या है? कुछ भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे घूमते रहते हैं, नशा करते हैं, सब चीज़ करते रहते हैं। अगर उन्हें नौकरी मिल जाए छोटी मोटी तो ऐसा ना करे वो। हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, पढ़ाई लिखाई मिले। आज स्कूलों में हमारे बच्चों को ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। निजीकरण हुआ पड़ा, जातिवाद इतना भरा पड़ा है समाज में कि पूछो मत। टीचर हैं वो जातिवाद से बात करते हैं, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस इलेक्शन में एक तो हमारे शिवर का मुद्दा रहेगा मेन, एक पानी का, एक पाइपों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, आप देख रहे हो गांव के अंदर कितना। अक्सर यहां पे सीवर भर जाते हैं, गटर भर जाते हैं, हम उसमें से निकल के बच्चों के लिए खुद ही साफ करते हैं, बहुत हम खुद साफ करते हैं, हमें बहुत हर तरीके की प्रॉब्लम है यहां पर, हद से ज्यादा कंडीशन खराब है हमारे यहां। ना तो कूड़े डालने की जगह भाई, बिल्कुल ना कहीं लेटरिन पेशाब को, इस घर में कोई कहीं जगह भी सरकारी बनना ही नहीं है दुनिया में, शौचालय इस गाँव में नहीं है, शौचालय कहीं जगह पड़ी सरकार इसमें बनवाओ। मोदी मोदी आएगा दिल्ली में, अरे मोदी कुछ नहीं करवा रहा। सन 1973 में प्लॉट अलाउड हुए थे, 6 रुपए की पर्ची कटी, इंक्वायरी भी होली हर एक जगह से, पर आ टाइम पे प्लॉट हमको मंजूर नहीं हुए। गवर्नमेंट ने ये कह दिया अब भाई जमीन नहीं हमारे पास, नो बताओ इसका क्या, हम वोट जब देंगे, जब हमारे प्लॉट देंगे, जब सारे कुमार सब हाथ ठा लेंगे, हम वोट नहीं देंगे किसी के। आम आदमी फिर भी राघव चड्ढा कुछ तो घूम रहा है यहाँ सेंटर में, वो लोग बैठे काम तो नहीं करने दे रहे, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं तो मेरी बात सुनो, वो तो खूब चाहता काम करना केजरीवाल जी, तो 5 साल हो गए हमने तो सांसद जी का चेहरा एक बार भी नहीं देखा हमारे विधायक, कभी मिलके भी नहीं आए, कभी पता भी नहीं किया कि भाई क्या समस्याएं चल रही है, क्या हाल है, क्या होना है, क्या नहीं होना गाँव के अंदर, कोई ऐसी उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नजर ही नहीं आई हमें तो। गाँव वोट देंगे अपनी मर्जी से, इसको तो देना ही नहीं है, जनता को देखने के लिए तैयार नहीं, किस हालत से वो वोट मांगने के लिए आएगा, आगे मांगने के लिए तो हम बताऊं उसे। संसद से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं बस मोदी आए। एक नेशनल सिक्योरिटी वो भी जरूरी है जो आदमी, क्योंकि उसके बगैर तो हम डेवलपमेंट कर नहीं सकते, जब तक हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे आगे, तो नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये काम भी हमारे जरूरी है जो से। लेकिन अभी ये स्ट्राइक्स हुआ है, जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा जरूर मोदी को फायदा होगा, जो किया वो तो ठीक कर किया है, क्योंकि देखो देश तो पहले ही है, पहले तो देश ही है। हम बदलाव चाहते हैं इस गली का, इस गांव का, हम बहुत हर तरीके से बदलाव चाहते हैं। बदलाव के लिए वोट करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करेंगे। बदलाव तो बच्चों के भविष्य के लिए चाहिए। अब ये देखो इन गलियों में ये क्या हाल है, ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। वोट करेंगे पर कोरे कागज पर साइन करो कि हमारे प्लॉट मिलने चाहिए। There is a lot of resentment and anger amongst the people of Rangpuri, but the major issues that they've spoken about include water shortage, lack of cleanliness, lack of public toilets and sewage issues. Delhi will be voting on the 12th of May and the results will be declared on the 23rd. Till then, stay tuned onto the quint.com to watch all the election stories from across India.